श्रीलंका के खिलाफ टीम पाकिस्तान की 18 सदस्यीय टीम का हुआ खुलासा। श्रीलंका के खिलाफ इन 18 खिलाड़ियों को मिला टीम पाकिस्तान की स्क्वाड में मौका। जी हां दोस्तों, आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज के लिए कैसी है पाकिस्तान की 18 सदस्यीय स्क्वाड, साथ ही कौन कौन से खिलाड़ियों को मिला है इस स्क्वाड में मौका, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान की टीम ने अपने घरेलू सरजमी पर न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को चारों खाने चित कर दिया है। न्यूजीलैंड के साथ खेली गई T20 सीरीज ड्रॉ पर भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसके बाद वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को अपना दमखम दिखाया और अपने घर में न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में 4-1 से हरा दिया है। आपको बता दें कि इसी बीच अब पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका के साथ सीरीज भी खेलनी है। इस सीरीज के लिए पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने स्क्वाड का चयन किया है, जिसमें उन्होंने टीम के खिलाड़ियों का चयन किया है जो श्रीलंका के खिलाफ हमें पाकिस्तान की स्क्वाड में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि शोएब अख्तर द्वारा चुनी गई स्क्वाड किस तरह से है। आपको बता दें कि शोएब अख्तर के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में बाबर आजम टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, उसामा मीर, इमाम उल हक, एहसान उल्लाह, फकर जमा, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, आगा सलमान, सैम अयूब, जमान खान, इफ्तिकार अहमद और हरीश राव। वहीं पर शोएब अख्तर ने बैकअप खिलाड़ी के तौर पर अब्बास अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर को स्क्वाड में शामिल किया है। तो दोस्तों आपके मुताबिक क्या शोएब अख्तर द्वारा चुनी गई टीम को ही श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में मौका मिलना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।